हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 9 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया आज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड धनुष आर्टिलरी गन वाज इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग ए सेरेमनी हेल्ड एट ऑर्डनेंस फैक्ट्री इन जबलपुर मध्य प्रदेश। द आर्मी हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर मोर देन 110 ऑफ दीज गन्स विद द ऑर्डनेंस फैक्ट्री। धनुष 155 mm 45 कैलिब्रे टूएड गन सिस्टम कैन बी डिप्लॉयड इन ऑल टाइप ऑफ टेरेन्स। द धनुष गन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द बोफोर्स होविटर्स। भारत की मारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और विकसित धनुष तोप को भारतीय सेना में जबलपुर मध्य प्रदेश के आयुध निर्माणी में आयोजित एक समारोह के दौरान सम्मिलित किया गया था। सेना ने ऐसी 110 से अधिक तोपों के लिए एक ऑर्डनेंस फैक्ट्री को ऑर्डर दिया था। 155 मिमी और 45 कैलिबर वाली दो बंदूक प्रणाली धनुष को सभी प्रकार के इलाकों में तैनात किया जा सकता है। धनुष बंदूक प्रणाली बोफोर्स होविटजर के डिजाइनों पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन मोरक्को एंड द US अफ्रीकन लायन 2019 किक्ड ऑफ इन साउथर्न मोरक्को। द एक्सरसाइज मार्क्स द पार्टिसिपेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। मोरक्को और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लायन 2019 दक्षिणी मोरक्को में शुरू हो गया है। इस अभ्यास में हजारों सैन्य अधिकारियों की भागीदारी है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट समझौतों की। द इंडियन नेवी एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इंक्ड एन MOU टू अंडरटेक जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर द इंडियन नेवी। दिस विल बी ए कोलेबरेटिव अरेंजमेंट बिटवीन लैब्स ऑफ CSIR द इंडियन नेवी एंड इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय नौसेना और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह है CSIR भारतीय नौसेना और भारतीय उद्योग की प्रयोगशालाओं के बीच एक सहयोगात्मक व्यवस्था होगी। यह समझौता ज्ञापन भारतीय नौसेना और CSIR के बीच बातचीत के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट, स्टेट रन पावर ग्रांट नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हैज इंक्ड ए टर्म लोन एग्रीमेंट विद केनरा बैंक टू रेज 2,000 crore rupees विच वुड बी यूज टू पार्ट फाइनेंस इट्स फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। राज्य द्वारा संचालित प्रमुख बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने केनरा बैंक के साथ 2,000 crore rupees एकत्र करने के लिए एक टर्म लोन समझौता किया है, जिसका उपयोग उसके पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। टाटा स्टील हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर एट द 14th ग्लोबल स्लैग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2019। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड रिसेंटली इन एचन जर्मनी। टाटा स्टील को 14वें ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। यह सम्मेलन हाल ही में आचेन जर्मनी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू कॉन्फर्ड प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एंड महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान अवार्ड इन एट द न्यू दिल्ली। द
The award of the Certificate of Honor was introduced in the year 1958 to honor the scholar of Sanskrit, Arabic and Persian languages. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के सम्मान पत्र और नई दिल्ली में महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान प्रदान किए। सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर का पुरस्कार वर्ष 1958 में संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वानों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक न्यूज अर्थव्यवस्था समाचारों की। एज पर द वर्ल्ड बैंक, इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट मॉडरेटली टू 7.5% इन फिस्कल ईयर 1920, driven by continued investment strengthening particularly private improved export performance and resilience consumption. विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि में मामूली रूप से 7.5% की तेजी आने की संभावना है। यह निरंतर निवेश सुदृढ़ीकरण, विशेष रूप से निजी बेहतर निर्यात प्रदर्शन और लचीला उपभोग द्वारा प्रेरित है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। द 2019 मलेशिया ओपन ऑफिशियली एट सेलकम एग्जिटिया। मलेशिया ओपन 2019 इज ए बैडमिंटन टूर्नामेंट विच टेक्स प्लेस एट एग्जिटा एरेना इन मलेशिया। लिन डेन ऑफ चाइना वोन इन मैन सिंगल्स कैटेगरी आफ्टर डिफीटिंग चैन लॉन्ग ऑफ चाइना। ताई तू यिंग ऑफ चाइनीज ताइपी वोन इन वुमेन सिंगल आफ्टर डिफीटिंग जापान्स अकाने यमा गुओची। 2019 मलेशिया ओपन आधिकारिक तौर पर सेलकॉम एग्जिटा मलेशिया ओपन 2019 एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो मलेशिया में एक्सिटा एरिना में होता है। इसकी इनामी राशि $7,00,000 थी। यह खेल कार्यक्रम मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। चीन के लिन डेन ने चीन के चैन लोंग को हराकर पुरुष एकल वर्ग में जीत हासिल की। चीनी ताइपे की ताई तजू यिंग ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर महिला एकल में जीत हासिल की है। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया नेम्ड ग्राम रेड एज द न्यू चीफ कोच ऑफ द इंडिया मैंस हॉकी टीम। द 54 ईयर ओल्ड विल ज्वाइन द टीम इन बेंगलुरु shortly for the ongoing national camp at Sports Authority of India. Hockey India ने ग्राम रीड को भारत की पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नामित किया है। 54 वर्षीय ग्राम रीड बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण में राष्ट्रीय शिविर के लिए शीघ्री टीम में शामिल होंगे। और लास्ट न्यूज ऑफ ड्यूरिज निधन की बात की जाए तो बायोलॉजिस्ट सिडनी ब्रेनर हु हेल्प्ड शिप पेयर द जेनेटिक कोड एंड जॉइंटली वोन द 2002 नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। ही हैड जॉइंटली वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ डिस्कवरीज कंसर्निंग जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आनुवंशिक कोड को समझने में मदद की और संयुक्त रूप से 2002 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जीव विज्ञानी सिडनी ब्रेनर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने संयुक्त रूप से अंग विकास के आनुवंशिक विनियमन और क्रमादेशित कोशिका मृत्यु से संबंधित खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे ब्रेनर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कॉम्पिटिशन चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अन अकेडमी एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।